Welcome, student. We are going to learn the sounds, English sounds, and how to make request and how to frame question. If you see the screen, how English language came into existence. First of all, let me ask you a question. Have you ever heard a word Anglo-Indian? So Anglo-Saxon was a tribe from the Northwest Germany or South Denmark, Netherlands tribes settled in British Isles during the 5th and 7th century AD. जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Anglo-Saxon करके एक tribe थे जो German के Northwest part से और Southern Denmark से और Netherlands से 5th to 7th century AD में वो लोग कहाँ गए? British Isles में, British आइलैंड में, वहां पे गए और सेटल किए. और जो एरिया में वो लोग रह रहे थे उनका कॉलोनी को कहा गया था द लैंड ऑफ द एंगल्स और द एंगल लैंड. और धीरे धीरे ये जो एंगल लैंड उसका नाम धीरे धीरे क्या है, इंग्लैंड हो गया. एंगल लैंड से इंग्लैंड हो गया. और जो भाषा वो लोग वहां पे बोल रहे थे उनकी भाषा को इंग्लिश कहा गया. इस तरीके से क्या है, इंग्लिश भाषा सामने आई. ठीक है. और जैसे आप देखते हैं हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आके करीब करीब 200 साल यहाँ पे थे और अपना बिजनेस किए. कुछ समय उन्होंने रूल भी किया और ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ शादी ब्याह भी किया और उनके जरिए से जो संतान निकले उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है. क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उनका जो ट्राइब का नाम है एंगल, ब्रिटिश लोग जो है उनका ट्राइब का नाम है एंगल. सो एंगल और इंडियन ये दोनों मिलके एंग्लो इंडियन हुए. इस तरीके से क्या है, एंग्लो इंडियन नाम आया. तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इंग्लिश शब्द कैसे आया. तो द लैंड ऑफ द एंगल्स, एंगल लैंड, वहां से क्या है इंग्लिश जो भाषा वो लोग जिस भाषा का प्रयोग किए उस भाषा को इंग्लिश कहा गया. तो मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं. ये जो एंगल, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो एंग्लो सेक्शन ट्राइब थे ये नॉर्थ वेस्ट जर्मनी से, सदर्न डेनमार्क से और नेदरलैंड से, है ना, यहां से वो लोग आए थे. और ये लोग कहां कहां से, कौन कौन से भाषा से प्रभावित थे, तो इनके ये जो भाषा बोल रहे थे, देखिए यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है दो भाषा इंग्लिश लैंग्वेज में हमको देखने को मिलता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है, वो है फ्रेंच एंड लैटिन. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पाई चार्ट में कि 29% है ना फ्रेंच लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज यहाँ पे क्या है उनका कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद जर्मनिक लैंग्वेजेस 26% कंट्रीब्यूशन है, ग्रीक 6% है और अदर डिराइव्ड फ्रॉम यू नो प्रॉपर नेम्स उसमें से 4% है, अदर लैंग्वेजेस से 6% है, अदर लैंग्वेजेस और अननोन डायलेक्ट से 6% है, अदर लैंग्वेजेस में से इंडियन लैंग्वेज भी एक है. जैसे आप जानते हैं इंग्लिश वर्ड लाठी चार्ज, ये एक वर्ड है जो इंग्लिश में एक्सेप्ट किया गया है. इस तरीके से क्या है, बहुत सारे भाषा से शब्दों को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज का जो शब्दावली का उद्भव हुआ है. ठीक है, दैट्स हाउ इंग्लिश लैंग्वेज केम इनटू बीइंग. आप ताजुब करते होंगे, आप कभी कभी आप अपने आप से सवाल भी पूछे होंगे कि अरे PUT पुट कहते हैं और CUT कट के रूप में हम उच्चारित करते हैं. स्पेलिंग सेम है परंतु देखिए एक में उ साउंड आ रहा है और दूसरे में अ साउंड आ रहा है. PUT यू का यहाँ पे उच्चारण उ के बराबर है और कट में यू का साउंड अ है. PUT पुट एंड CUT कट.
उसके बाद आप देख सकते हैं CHOIR, यहाँ पे जो CH है, देखिए यहाँ पे हम कैसे इसका उच्चारण करते हैं, क्वायर क्वायर, ठीक है, और CHAIR उसको हम कहते हैं चेयर। देखिए दोनों सेम स्पेलिंग है, परंतु उच्चारण विधि में हम देख रहे हैं कि एक क्वायर हो रहा है, क साउंड आ रहा है, और दूसरे में च साउंड आ रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए TIRE, आई यहां पे उच्चारित हो रहा है टायर, आयर टायर, ठीक है, और दूसरा जो शब्द है TIER, यहां पे आई शब्द कैसे उच्चारित हो रहा है, टीयर, है ना, TIER। जैसे आपने अगर ट्रेन में ट्रैवल सफर किए होंगे तो एसी, तीन प्रकार के जो एसी के डिब्बे होते हैं, टू टीयर, थ्री टीयर एंड फर्स्ट क्लास एसी वन टीयर, दैट इज नॉट टायर। बहुत लोग क्या है उसको टू टायर एसी कहते हैं, थ्री टायर एसी, थ्री टायर एसी गलत है, वो टीयर है, टू टीयर एसी, थ्री टीयर एसी हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ये सब जो ये जो चार्ट और पाई चार्ट दिखाने के पीछे मकसद ये था कि इंग्लिश भाषा जो है बहुत सारे भाषाओं का एक मिश्रण है और उसमें से आता है, तो इसलिए हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, इसलिए हम आपको साउंड सिखाएंगे ताकि आप कभी भी आप किसी दूसरे के सामने जब आप बात करो तो आपको क्या है शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े, है ना। तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि PUT पुट एंड CUT कट, CHOIR क्वायर एंड CHAIR चेयर, TIRE टायर एंड TIER टीयर, है ना। इस तरीके से क्या है, दिस इज द रीजन व्हाई द साउंड्स डिफर इवन दो स्पेलिंग यू नो लुक द सेम, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। आज हम केवल इंग्लिश साउंड्स के बारे में थोड़ा बहुत ही मैं बताया, कल से हम एक एक साउंड के बारे में हम परिचय देंगे। देखिए साउंड्स जो है वो दो प्रकार के साउंड्स होते हैं, एक होता है वाउएल साउंड्स, ठीक है, और कमोबेश हालांकि हम कहते हैं देर आर क्या 20 वाउएल साउंड्स, बट मैंने अलग से क्या है और 3 वाउएल साउंड्स भी है, इसलिए यहाँ पे 23 वाउएल साउंड्स यहाँ पे लिखा गया है ना। सो देर आर 20 वाउएल साउंड्स प्राइमेरली, एंड वी ऑल्सो टेक सम ऑफ द ट्रिप्सम एंड अदर 2 वाउएल साउंड्स टेकन टुगेदर एज 23। ओके, सो ये 20 वाउएल साउंड्स मुख्यतः हम इसको देखेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये एक फोनेटिक सिंबल है, ये सारे फोनेटिक सिंबल है, ये हम आपको बताएंगे ताकि जब आप डिक्शनरी ओपन करो, डिक्शनरी में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिखाई देता है और उसको आप सहजता से आप पढ़ सको। जैसे आप डिक्शनरी में जब वर्ड लुकअप करते हो, व्हेन यू लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी यू जस्ट फाइंड इट्स स्पेलिंग राइट, जो वो रिटन इंग्लिश वर्ड का स्पेलिंग होता है, परंतु स्पोकन इंग्लिश वर्ड का साउंड होता है उसका भी जो स्पेलिंग जो प्रोनंसिएशन है उसको ट्रांसक्राइब करके लिखा जाता है ऐसे सिंबॉलिकली। तो अगर इसको आप समझ जाओगे तो आप आसानी से ना केवल वर्ड का स्पेलिंग आपको पता होगा परंतु उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन भी पता होगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो रिसीव्ड प्रोनंसिएशंस, ठीक है, रिसिप्ट प्रोनंसिएशंस क्या है, हम आपको जो साउंड सिखाएंगे ये साउंड ना तो अमेरिकी है, ना तो ब्रिटिश है, ना तो ऑस्ट्रेलियन है, परंतु ये साउंड जो है ये अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्टेड है, इसको हम एक्सेप्टेड प्रोनंसिएशंस कहते हैं या रिसिप्ट प्रोनंसिएशंस कहते हैं। तो ये साउंड्स को जब आप फॉलो करोगे तो एक नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश कैन इजीली अंडरस्टैंड यू, ओके, दे विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट
अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सनेंट साउंड्स। सो देयर आर 24 कॉन्सनेंट साउंड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे कॉन्सनेंट्स के जो सिंबल यहाँ पे दिया गया है, हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो हमने आज क्या डिस्कस किया साउंड्स के ऊपर? साउंड्स के ऊपर हमने देखा कि इंग्लिश जो है शब्द कैसे आया, ये एंग्लो सैक्सन जो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी, सदर्न डेनमार्क और नेदरलैंड से जो लोग आके ब्रिटिश द्वीप में वहां पे बसे और उनका जगह का नाम एंगललैंड कहा गया, और जो भाषा वो लोग बोलने लगे, लोग उनकी भाषा को क्या है इंग्लिश बोलने लगे, क्योंकि धीरे धीरे वो एंगललैंड इंग्लैंड में बदल गया और इस तरीके से जो भाषा वो लोग बोले उस भाषा को इंग्लिश भाषा कहा गया, है ना। ये हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि कैसे इंग्लिश भाषा में लैटिन, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक और दूसरे भाषाओं का यहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या इंडिया में भी आए थे, तो दे ऑल्सो कैरिड सम इंडियन वर्ड्स टू देयर ओन लैंड एंड दे एडेड इन देयर डिक्शनरी। ओके, आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी ये कुछ इंडियन वर्ड्स आपको देखने को मिलता है इस कारण से। अभी हम देखेंगे हाउ टू मेक रिक्वेस्ट। यहाँ तीन सेंटेंसेस मैंने लिखा है, इसको आप गौर से पढ़िएगा, ठीक है। रीड द डायलॉग अ कस्टमर, द डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर एंड द काउंटर क्लर्क एट द पोस्ट ऑफिस। वो क्या कह रहे हैं? कुड यू वे द लेटर प्लीज, विल यू अफिक्स द स्टैम्प्स प्लीज, वेट अ मिनट प्लीज। ये जो तीन सेंटेंसेस है, भले ही इसके आखिरी में आप एक क्वेश्चन मार्क देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, और ये एक शालीनता का परिचय है ना। दिस इज व्हाट इज मैनरिज्म। वी डोंट प्लेस ऑर्डर, रादर वी प्लेस रिक्वेस्ट बिफोर पीपल, एंड दिस इज गुड, है ना। व्हाट इज अ रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट इज अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग पीपल टू डू समथिंग फॉर अस। हम हमारे लिए हमको कुछ चाहिए, कुछ दूसरों से कुछ करवाने के लिए अगर हमें कुछ जरूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं? हम या तो ऑर्डर दे सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये रिक्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो तीन सेंटेंस है देखिए, ये भी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आठ सेंटेंसेस आपके सामने जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिया गया है, इसको आप गौर से पढ़िएगा, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के सहूलियत के लिए। गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी, विल यू लेंड सम मनी प्लीज, कैन यू लेंड मी सम मनी प्लीज, कुड यू लेंड मी सम मनी, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी सम मनी, आई वंडर इफ यू कुड लेंड मी सम मनी, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, इफ यू कुड लेंड मी सम मनी आई वुड बी ग्रेटफुल और आई वुड अप्रिशिएट इट। देखिए, ये जो आठ प्रकार के सेंटेंसेस है, वो एक ही चीज यहाँ पे पूछा गया है, वो है पैसे मांगना, ठीक है। हम पैसे आठ तरीके से, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे पैसे का एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपका रिक्वेस्ट और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो गिव मी सम मनी, यहाँ पे जैसे एक एक से आठ तक अगर आप इसको देखो गौर से, अगर आप ध्यान से इन सेंटेंसेस को पढ़ो और देखो इसका स्ट्रक्चर को देखो, तो आप इसमें से क्या है समझ जाओगे कि जो सेंटेंस नंबर वन जो है वो लीस्ट पोलाइट है, मतलब उसमें पोलाइट या नम्रता है ही नहीं, है ना। मतलब एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। गिव मी सम मनी, इसमें कहीं पर रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा है,
गिव मी सम मनी, ठीक है, मतलब लीस्ट पोलाइट है। और आठवीं सेंटेंस जब आप देखते हो, इफ यू कुड लेंड मी सम मनी आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल और आई वुड अप्रिशिएट इट, दोनों में से कोई एक मतलब पार्ट आप यूज कर सकते हो। आई वुड बी ग्रेटफुल कह सकते हो या फिर आई वुड अप्रिशिएट इट ये कह सकते हो, ये फिक्स्ड है, इस तरीके से आप कह सकते हो। यहाँ पे मनी के जगह पे और कुछ आप मांग सकते हो, है ना, और गिव के जगह और कोई वर्ब यूज कर सकते हो रिक्वेस्ट वाला, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से फ्रेम होता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस वन है वो लीस्ट पोलाइट है, सेंटेंस एट है मोस्ट पोलाइट है, और 2 से 7 नंबर के बीच में जो है वो क्रमानुसार मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपका पोलाइटनेस जो है बढ़ते जा रहा है। तो अगर जैसे हम मोस्ट पोलाइट सेंटेंस किसके लिए उपयोग करेंगे, हमारे टीचर के लिए जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं, है ना, उनके लिए क्या है मोस्ट पोलाइट सेंटेंस रिक्वेस्ट करते समय यूज करेंगे। और हम लीस्ट पोलाइट सेंटेंस किसके लिए यूज करेंगे, हमारे दोस्तों के लिए, हमसे जो छोटे हैं उनके लिए, है ना, उनके लिए ज्यादा फॉर्मेलिटी और ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, और हमारे दोस्तों के बीच में ज्यादा फॉर्मेलिटी और पोलाइट होने की पोलाइटनेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप चूज कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज करोगे व्हाइल मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। देखिए गिव, यहाँ पे वर्ब गिव है, गिव मी सम मनी जो आप मांग रहे हो, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में विल, ऑक्सिलरी वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड सम मनी, विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, प्लीज को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये ऑप्शनल है, यू कैन यूज इट और यू मे नॉट यूज इट। ओके, कैन यू लेंड मी सम मनी, यहाँ पे हमने कैन वर्ड का यूज किया, कैन ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया हुआ है और पूछ रहे हैं, है ना। यहाँ पे वर्ब क्या है लेंड, है ना, कुड यू लेंड मी सम मनी। देखिए कैन यू लेंड मी सम मनी से ज्यादा पोलाइट है कुड यू लेंड मी सम मनी, ठीक है, उससे ज्यादा पोलाइट है। उससे ज्यादा पोलाइट कौन सा है, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी सम मनी, आपको लगता है आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, है ना। ये क्या है इंग्लिश कल्चर में इस तरीके से क्या है वो अपनी नम्रता का स्वभाव को क्या है एक्सप्रेस करते हैं, और ये स्ट्रक्चर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप अपना भी सेंटेंस इसमें आप कह सकते हो। सपोज आपको चाहिए कि मान लो आपको कुछ और चीज चाहिए, आप बाजार में गए हो और आप किसी से बोल रहे हो कि ये मेरे लिए खरीद दो ना, तो खरीदने का वो वर्ड क्या होता है बाय, है ना। तो अगर आपके फ्रेंड के साथ आप कह रहे हो मतलब फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हो तो आप कह सकते हो बाय मी दैट ड्रेस, बाय मी दैट थिंग, सो इस तरीके से आप कह सकते हो। और अगर थोड़ा ज्यादा पोलाइट, मान लीजिए आपके पिताजी हैं या कोई एल्डरली फिगर हैं, उनके साथ थोड़ा नम्रता से पेश आना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो विल यू लेंड मी, विल यू बाय मी सम चॉकलेट्स, कैन यू बाय मी सम चॉकलेट्स, कुड यू बाय मी सम चॉकलेट्स, डू यू थिंक यू कुड बाय मी सम चॉकलेट्स, आई वंडर इफ यू कुड बाय मी सम चॉकलेट्स, वुड यू माइंड बाइंग मी सम चॉकलेट्स। देखिए वुड यू माइंड के बाद जो वर्ब उपयोग किया गया है उसमें इंग फॉर्म यूज होता है, ये बात का ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। इफ यू कुड लेंड मी सम मनी आई वुड बी ग्रेटफुल, इफ यू कुड बाय मी सम चॉकलेट्स आई वुड बी ग्रेटफुल, ये आई वुड बी ग्रेटफुल फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बट ये जो पहले का जो पार्ट है क्लॉज है उसमें आप फेरबदल कर सकते हो, आपके जो डिमांड के अनुसार आप कौन सा रिक्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने कहा इफ यू कुड बाय मी सम चॉकलेट्स, है ना, मैंने मनी की जगह सम चॉकलेट्स कहा और लैंड के जगह बाय यूज किया। तो इस तरीके से क्या है आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। अभी
आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है? यहां पे देखिए, आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज द विंडो, आस्क योर सर्वेंट टू मेक टी फॉर यू, आस्क योर अंकल टू लेंड यू सम मनी, आस्क योर लिटिल ब्रदर टू लेंड यू हिज बाइसाइकल, आस्क योर फादर टू बाय यू अ न्यू पेयर ऑफ शूज, आस्क योर मदर टू प्रिपेयर इवनिंग स्नैक्स फॉर यू, है ना? आपकी जो पोलाइटनेस डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रेंड, सर्वेंट, अंकल, लिटिल ब्रदर, फादर, मदर, ये सब है। तो मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में इन छह सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट है आप लिख के भेजें। राजू, क्लोज द विंडो प्लीज। ओके, so you're asking your friend to close the window. Raju, close the window, please. Yes, good. What about Sheetal ma'am? Shut down the window. Okay. Yes. Shut down. See, your verb, don't change the verb. Your verb is close. Okay. You're asking your friend to close the window. We shut down a computer. Huh, this window, maybe you are confused with the window, computer window. No, not an issue. Please rewrite, reframe your sentence. Use close instead of shut down. And what about the second request? Philippe, don't use Raju all the time because you're asking your mother. Sorry, okay. Okay, servant. Okay, the servant's name is also Raju. All right. Raju, you don't need to be very polite to place an order to your servant, right? Servant is your subordinate. And so you simply say, make me a cup of tea. Okay? Saroj, please close the window. Saroj, please close the window. Okay, good. And go ahead with the second request. Ask your servant to make tea for you. Raju, one cup tea, please. One cup of tea would be correct. But then here, see, your full sentence would be, you use the verb make tea. Okay, you make tea for you. Okay, Raju, make me a cup of tea. You can say like that. Shyam, can you make one cup of tea? That's good. Okay, how about asking your mother to prepare evening snacks for you? Try a sentence. Uncle John, please, can you lend me 1,000 rupees? Prabhaji, when you write sentence, see what was our structure. Just look at the structure. Look at the structure here. Please, where do you use please? Please should come towards the end. Okay. Uncle John, can you lend me 1,000 rupees, please? Mom, make Maggie in evening time, please. You don't have to write evening time. You simply ask, Mom, make me a plate of maybe Maggie, or make me some snacks, prepare some snacks for me, please. Mom, can you prepare some snacks for me, please? Wonderful. Okay, let's proceed to the next section, how to frame question. You must be knowing it because you would have read, studied in your classes, high school classes. Okay, just look at the sentence here. You can weigh these letters, weigh. Okay, weigh, weigh. Weigh is the verb and the noun form is weight. Okay, weight. Weigh means verb. Vajan karna, है ना? Can you weigh these letters? Post office में जब जाते हैं तो लेटर को पहले तोला जाता है, पहले उसका वजन लिया जाता है।
उसका कैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, कैन यू वेई दिस लेटर्स? ओके, सो नाउ सी हाउ दिस सेंटेंस. सो द फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट. हाउ डज अ स्टेटमेंट लुक लाइक? इन अ स्टेटमेंट द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, देन द ऑक्सिलरी वर्ब इफ there is an use of an auxiliary verb, and then verb, okay, and then the rest of the rest part of the sentence. All right, subject, verb, object. This you can say object. Okay, so the basic sentence structure is SVO. This you have to remember: subject, verb, object. देखिए, हम हिंदी में जब बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस बात करते हैं, हम कैसे बात करते हैं? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? परंतु इंग्लिश में उसका थोड़ा सा उल्टा. पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. जैसे एक सेंटेंस में बताना चाहूंगा, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, है ना? देखिए, आई ईट राइस, यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट, ईट इज द वर्ब, एंड राइस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है. ऑब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जो उस कार्य से प्रभावित होता है, ठीक है? और वर्ब वो होता है जो उस कार्य को, उस क्रिया को बताता है, कौन सा क्रिया है, ठीक है? सो आई ईट राइस, आई इज द सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट हियर? ईट, ईट इज द एक्शन, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? राइस, बिकॉज राइस इज अफेक्टेड बाय ईटिंग. ओके, सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अगर ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक ऑक्सिलरी वर्ब को भी देख पा रहे हैं. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जब आप क्वेश्चन फॉर्म करते हो तो क्या होता है? इनफैक्ट देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले ले जाते हो, फर्स्ट, देन कम्स सब्जेक्ट, एंड देन कम्स वर्ब, एंड रेस्ट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, देखिए, यू कैन वेई दिज लेटर्स, यहाँ पे कैन यू वेई दिज लेटर्स, देख पा रहे हैं? यहाँ पे यू कैन, ये कैन यहाँ पे आ गया और यू उसके बाद आया. Can you weigh this letter? This is how you frame question. So now do this exercise. Turn these following statements into questions. Okay? Now your job is to turn this into question. ठीक है? जल्दी जल्दी एक-एक question frame करिए. Sentence number one. We can start now. Can we start now? That's correct. Okay, quick, Prava ji, Sheetal ji, can we start now? Sheetal ji, there should be question mark when you write a question. It should carry a question mark. That is a correct punctuation. Your sentence is good, structurally okay, but you should use question mark, right? Yeah, second sentence, Dilip has written, will the boys leave soon? Yeah, great. Okay, can you start now? Prabhaji, not you. Not you. Here the subject is we. Okay, you should be mindful of the subject. What is the subject? Okay, we're not we cannot use any other subject here. Okay, Dilip has written, will the boys leave soon? That's correct, Shitalji. Fine. Dilip, where the late yesterday? What is where the late yesterday? That's a spelling mistake, Dilip. It's not the, it should be they.
या हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, दैट्स फाइन, थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टुमारो बी अवेलेबल एट 4, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।